मोटर ब्लॉगिंग भी करेंगे क्योंकि ठंड में नहीं हो पाएगा। भाई साहब ठंड बहुत लग रहा है। मैं दिन में कोशिश करूंगा मोटर ब्लॉगिंग करने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस चलो आज मैं करने वाला हूँ मोटर ब्लॉगिंग, मतलब जो मैंने हेलमेट माउथ लेके आया था वो मैंने इस पर इंस्टॉल ही नहीं करा। तो चलो आज आप लोगों के साथ लेके इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि कैसे फिटिंग होता है। फिटिंग करके एक टेस्ट लेंगे कि देखेंगे कि मोटर ब्लॉगिंग हो रहा है कि नहीं। तो चलो ये देखो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऐसे यूज ही नहीं करा, आज करेंगे और आप लोगों को साथ लेके चलेंगे कि हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम मोटर ब्लॉगिंग है, इतना एक्सपीरियंस है नहीं इसे कैसे फिटिंग करते हैं। ये देखो हेलमेट, ये मेरा पुराना वाला हेलमेट है क्योंकि जब मैंने KTM RC 200 लिया था ना, छोटे भाई ने ज़्यादातर यूज़ कर रहा है आजकल, तो मैंने कहा कि मेरा हेलमेट मेरे को वापस दे दे क्योंकि मैं करने वाला हूँ मोटो ब्लॉगिंग। मैं माइक वगैरह नहीं लगाऊंगा क्योंकि माइक के लिए ना वन प्लस में आपको एक एडेप्टर चाहिए होता है, वो मेरे पास है नहीं तो वो भी ऑर्डर करना पड़ेगा। सिर्फ आज मैं चेक करूँगा, वीडियो बना के थोड़ा सा दिखूँगा कि हाँ हो रहा है कि नहीं, इससे पहले यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। गाइस इंस्टॉल करने से पहले मैं आप लोगों को बताए तो ये है हिफिन का ये हेलमेट माउथ, इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसको आप बाई कर सकते हो जियो मार्ट से। ये मैंने जियो मार्ट से लिया हूँ और उसमें बहुत सस्ता मिलता है आपका फ्लिपकार्ट से। गाइस इसमें ना आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, ये देखो ये है लॉक, ये लॉक है तो इसको यहाँ पे लगा के ना ये जो ये दो है ना ये दो दो में फंसा के लॉक लगा दोगे तो बढ़िया से फिटिंग हो जाएगा। और क्वालिटी तो बहुत हैवी क्वालिटी है, मतलब ये टूटने फूटने की शिकायत इतना नहीं आएगा आप लोगों को। तो इसे लगा के देखते हैं कि हाँ कैसे होता है यार मोटर ब्लॉगिंग। गाइस मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को भी थोड़ा दिखाया था तो अब चलते जाके देखते हैं कि इसे जाऊँगा थोड़ा मार्केट में, मार्केट मतलब यहाँ से घूम के आ जाऊँगा, थोड़ा सा दिखाऊँगा आप लोगों को। तो चलो यार चलते हैं, बढ़िया से फिटिंग नहीं हुआ इससे और भी काम करना पड़ेगा इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा लूज़ हो गया, क्योंकि तो इसमें और भी काम है और मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये गिरने विरने की शिकायत नहीं है, मैंने सोचा कि यार फोन गिर जाएगा थोड़ा दिक्कत होगा और जब आप लोग फिटिंग करोगे ना तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और मेरे को भी पता नहीं था इतना तो मैं इसको फिटिंग करते करते मेरे को भी एक्सपीरियंस हो गया। तो आई होप कि आप लोग भी जब करेंगे ना आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये देखो ये ऐसे फिटिंग हुआ है, ये बढ़िया से फिटिंग हुआ पर थोड़ा सा लूज लूज मेरे को लग रहा है क्योंकि ये जो है ना ये बढ़िया से टाइट नहीं हुआ, तो इसको टाइट करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो ये बेल्ट है ना ये थोड़ा सा लंबा है, तो इसे थोड़ा सा शॉर्ट करके फिर इसको टाइट करना पड़ेगा। अब मैं जाऊँगा थोड़ा सा घूम के आते यार, देखते हैं कि यार रिकॉर्ड कैसे होता है, व्यू वगैरह कैसा होता है मोटर ब्लॉगिंग का। तो चलो अभी चलते यार। देखो कुछ ऐसा है मोटर ब्लॉगिंग का सेटअप और मैं अभी जाऊंगा, तो छोटे को फ़ोन कर दिया था तो इसमें माइक वगैरह कुछ नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ वो आने तक। देखो यार गाइस कितना बढ़िया लग रहा है ना यार, मेरे को भी पता नहीं था कि ऐसा होता है यार मोटर ब्लॉगिंग का सेटअप। तो गाइस ये आ गए स्कूटी, अब चलते यार थोड़ा सा चला के देखते कि यार मोटर ब्लॉगिंग हुआ हो, रिकॉर्ड वगैरह थोड़ा सा 19-20 हो सकता है पर कोई बात नहीं देखेंगे। बूम 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 मार्केट मतलब यहाँ से घूम के आ जाएंगे यार। ओ भाई साहब, तो गाइस मेरे को ना डर लग रहा है कि फ़ोन ना गिर जाए क्योंकि फ़ोन बढ़िया से फिटिंग नहीं हुआ, उसका अभी जुगाड़ करना पड़ेगा कल। और देखो कुछ 19-20 हो रहा है तो सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा इससे बढ़िया रिकॉर्ड करने के लिए, तो अभी तो हो नहीं रहा, तो मेरा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा दिक्कत वगैरह हो रहा है, तो आई होप कि देखेंगे। ओ अभी तो धीरे धीरे यार ऑफ रोडिंग वगैरह पे गाड़ी चला रहा हूँ ना तो ऑफ रोडिंग वगैरह ज़्यादा ही हो रहा है। हेलमेट जो है ना तो वो भी बहुत मतलब भारी हो गया बहुत, तो ये हल्का हेलमेट नहीं है और एक हेलमेट भी लेना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाइक यहाँ से घुमा लेता हूँ बस हो गया, क्योंकि सिर्फ चेक करने के लिए यार, क्योंकि ठंड में मेरे को ठंड लग रहा है यार, मैं जा रहा हूँ वापसी, मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि ठंड लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से घुमाते 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 बाइक वगैरह आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा कर लेते हैं। देख रहे हो ना एंगल कुछ अलग, यहाँ से मतलब जो फोल्डर है ना वो बढ़िया से फिटिंग नहीं हुआ, इसको भी करना पड़ेगा बढ़िया से फिटिंग। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा कर लेते हैं, तो व्यू वगैरह पे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो वाइड एंगल कैमरा से इतना बढ़िया से शूट भी नहीं होता, तो करेंगे यार
ठंडे में मोटो ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगा यार। देख रहा हूँ ना मैं, वैसे ही मैं कितना मेरे को बहुत ठंड लगता है, तो देखेंगे आगे क्या सीन होता है। ये मोटो ब्लॉगिंग दिन को ही करना पड़ेगा यार, क्योंकि दिन में ही होगा, रात को नहीं हो पाएगा। और मोबाइल वगैरह बहुत चेंज हो गया रखा है, तो करेंगे ऐसे। ये देखो मतलब ये बढ़िया से फिटिंग ही नहीं हुआ, ये देखो यहाँ से कुछ हो रहा है, यहाँ से कुछ हो रहा है, तो बढ़िया से ज़बरदस्त फिटिंग करना पड़ेगा, इसको भी करेंगे। तो आज मैंने ऐसे ही 19-20 करके थोड़ा सा फिटिंग करके सिर्फ मैंने चेक किया था कि हाँ मोटो ब्लॉगिंग ऐसा अभी आप लोग कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी मोटो ब्लॉगिंग की प्लानिंग कर रहे हो तो कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, तो आराम से कर सकते हो। जब इसे आप लोग फिटिंग करोगे ना तब आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये मैं भी, मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस था नहीं, मैं भी पहली बार मैंने चेक किया था, वो भी हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।